शाहिद के बेटे हो? हाँ, बेटा ये शाहिद का छोटा वाला लड़का है। तो ये यहाँ क्या कर रहा है? अब्बा उम्र पे गया है, मुझे यहाँ छोड़ के चले गए वो। Hi, I'm your VJ Alina और आप लोग देख रहे हैं अपना फेवरेट म्यूजिक चैनल। आइए चल के देखते हैं आतिफ असलम का नया गाना। अब्बा से पिटने का इरादा है क्या? क्यों, रेडियो पे भी मैं यही करती हूँ। इस अलीना को कोई कुछ नहीं कहता। वैसे भी अब तो वो सेलिब्रिटी बनने वाली हैं, उन पे तो रोजे फर्ज ही नहीं होते। कौन है भाई, कौन है आप लोग? चुप बैठ। देखो मैं दिल का मरीज हूँ, तुम जो चाहोगे तुम्हें मिल जाएगा। खामोश। हाँ अजहर, कहाँ हो बेटा तुम? मैं कब से फोन कर रही हूँ। एक काम से फंस गया हूँ, आ रहा हूँ, आप परेशान नहीं हो। बेटा तुम्हारे बाबा भी अब तक घर नहीं पहुंचे? वो हाँ मेरे साथ हैं, अभी आ रहे हैं। Seems we're both using green to get to somebody. You lost somebody? I did, yes. You catch whoever did it. क्या हुआ लिश्वा? क्या हुआ? बाबी, बाबा को किसी ने किडनैप कर लिया। What? तुम्हें किसने बताया? भाई। अजहर तो ठीक है ना? कहाँ है अजहर? भाई पुलिस स्टेशन। भाभी पापा को बता दे, मामा को भाई खुद बता देंगे। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? मैं अजहर को कॉल करती हूँ। अजहर कहाँ हो? तुम्हारे चाचू के पास। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो मैं इनके पास आ गया। मैं इनके साथ आईजी के ऑफिस आ रहा हूँ। अच्छा किया तुमने चाचू के पास चले गए। देखो तुम प्लीज टेंशन मत लेना, मैं यहाँ पर सब कुछ हैंडल कर लूंगी। ओके टेक केयर। यू टू। दादी तुम दो दिन पुराना अखबार क्यों पढ़ रही हो? हमारी मर्जी। अच्छा दादी ये खावल ने ज़्यादा देर नहीं कर दी आने में? इस वक्त तक तो आ जाना चाहिए था ना उसे। साहब बोला कर, सुन रहा है तू? और तुझे क्या काम है उनसे? वो ऐसी सलाम दुआ करनी थी, उनको बताऊंगा ना उनका लड़का मुझे बड़ा पसंद आया, बहुत अच्छा लड़का है वो। अपनी जबान देख, अपना कद देख, आने दे शाहिद को, तेरी ऐसी खबर लेगा कि तू याद रखेगा। दादी तुम मुझसे जलती क्यों? अच्छा तुम मेरे जैसा बनना चाहती हो ना? कोई एक्सरसाइज वेक्सरसाइज किया करो सुबह में उठ के। तुम दोनों साथ?
अल्लाह तेरा शुक्र है। अरे मैं तो अभी नमाज पढ़ के तुम्हारे लिए दुआ मांग रही थी। अम्मी वो मिठाई मंगवाओ मिठाई। मैं बहुत खुश हूँ, मेरी तो दुआ अल्लाह ने बस अभी मैंने मांगी और उसे कबूल कर लिया। अल्लाह तेरा शुक्र परवरदिगार। बेटा तुमने इस गधे को माफ कर दिया ना, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। अम्मी मेरी बात सुन ले, बाबा को कहाँ है तुम्हारे बाबा? किसी ने उन्हें किडनैप कर लिया। तुम लोग ये बात मुझे आप बता रहे हो? अम्मी मैं इस वक्त थाने से होकर आ रहा हूँ, सामिया के चाचू भी मेरे साथ थे। मेरी बात गौर से सुने, आईजी साहब इस केस को पर्सनली देख रहे हैं, इसके अलावा पूरी मार्केट और यूनियन प्रेशर डाल रही है पुलिस पर। आज रात तक बाबा घर पर आ जाएंगे इंशाल्लाह। मगर तुम्हारे बाबा के पास तो कुछ भी नहीं था, उन्होंने तो दवा भी नहीं खाई है। याल्ला ये क्या कह रहे हो तुम? अगवा करने वाले कोई कांटेक्ट भी तो नहीं कर रहे, और ये बड़ा माइनस पॉइंट है, वरना ये अंदाजा लगाया जा सकता था कि ये काम किसने किया और क्यों किया। इस सिचुएशन में तो शहर का चप्पा चप्पा छानना पड़ेगा। देखिए आप जिस तरह का भी तावन चाहेंगे हम करेंगे, आप जैसा कहेंगे हम करेंगे। अजहर साहब, अफजल साहब के भाई हमारे भाई, इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि कोई ना कोई रास्ता निकल आए। वैसे आप लोगों की किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं थी? दुश्मनी नहीं, नहीं हमारी तो किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं है सच। एक सेकंड, कुछ ही अरसे पहले मेरी मंगनी टूटी थी थोड़े नामी शख्स से, मुझे तो उसी का काम लगता है। लेकिन मेरी बहन अलिश्पा को कोई लड़का ब्लैकमेल भी कर रहा था, हो सकता है ये उसका काम हो। वेरी गुड मैडम, हम उन पर कड़ी नजर रखेंगे। जरूर, थैंक यू। देखिए अगर आपका तावुन रहेगा तो कोई ना कोई बात जरूर बन जाएगी। फिलहाल मैं दो सिपाहियों की ड्यूटी यहाँ पर लगाए जा रहा हूँ जब तक खाबर साहब वापस नहीं आ जाते। और हाँ प्लीज, किसी भी किस्म का कोई फोन आए तो मुझे जरूर इतला कीजिएगा, मुझे इजाजत दें। और हाँ आप परेशान ना होइए, कोई ना कोई मामला जरूर हल हो जाएगा। बेहतर। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम, आओ बैठो बैठो। आंटी आप फिक्र ना करें, मेरी पापा से बात हुई है, पुलिस पर बहुत प्रेशर डाला है हमने, इंशाल्लाह जल्दी अंकल घर वापस आ जाएंगे। बेटा तुम कहाँ अपने इम्तिहानों में इन चक्रों में पढ़ रहे हो? नहीं नहीं आंटी, मुझे तो जैसी अलिश्पा ने बताया मैंने उसी वक्त पापा को फ़ोन कर दिया था। आप फिक्र ना करें, बहुत जल्द आप अच्छी खबर सुनेंगे। हाँ बेटा, अपने पापा से कहना कुछ करें, खबर की तबीयत ठीक नहीं है, हम उनका ये एहसान जिंदगी भर याद रखेंगे बेटा प्लीज। प्लीज आप हौसला रखें, मैं पापा को फिर फोन करता हूँ। इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता लगेगा। मुझे तो लगता है जुहैर है। भाई ये राहील है। अस्सलाम वालेकुम। मैं जानता हूँ राहील, थैंक यू सो मच कि तुम इस वक्त यहाँ आ गए। अरे नहीं असर भाई, ये तो मेरा फ़र्ज था, बस अंकल वापस आ जाए। समझ नहीं आता यार कि कोई ऐसा क्यों करेगा, अगर किसी को पैसे चाहिए तो हमसे मांग ले। देखें मैं तो चाहूँगा आप लोग सब रिलैक्स करें, मैं कल सुबह पापा से फिर बात करूँगा और फिर मैं आपको इंशाल्लाह खुशखबरी दूँगा। ऐ मेरे महबूब, हमारे साहब की हिफाजत करना, उन्होंने हमेशा सबकी मदद की है, उनकी हिफाजत करना। ऐ मेरे मालिक, उन डाकुओं के हाथ टूट जाएं। आमीन।
उन डाकुओं के सर टूट जाएं। आमीन। जब हमारे साहब वापस घर आएंगे तो 101 रुपए मजार पे चढ़ाएंगे गाजी साहब के। ए मेरे मालिक, इस मुबारक महीने में साहब घर वापस आ जाएं। आमीन। बस करो एलिशपा, बहुत रो लिया तुमने, बस। मुजम्मिल भाई बेचारे, उनका क्या कसूर था? इन इमोशनल बातों से कोई फायदा नहीं है, बस दुआ करो कि बाबा वापस आ जाए। किडनैप करने वाले कॉल करते हैं, कांटेक्ट करते हैं, उन्होंने क्यों किया किडनैप बाबा को? पता नहीं, मुझे तो लगता है जहेर या वो दो लड़के हैं जिनको अजहर भाई ने लॉकअप में बंद किया है। पापा, पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। मैंने बताया उन्हें, अजहर भाई कह रहे थे कोई दुश्मनी ही नहीं है हमारी, इसी को तो कहते हैं दुश्मनी। तो मुझे बहुत डर लग रहा है, सच बताऊं तो मुझे भी बहुत डर लग रहा है। कैसा लग रहा है खावर साहब? आपके और शहबाज के आदमियों ने मेरे साथ किया था, मेरा कोई आदमी नहीं था, सब शहबाज के आदमी थे। जाओ, अगर हिम्मत है तो उसे उठाओ ना जाके। तुम लोगों ने मुझे कहीं कहीं छोड़ा, सारा शहर मुझ पे थू थू करता है, मेरी गाड़ी, मेरी इज्जत, मेरी मोहब्बत, एतमाद, खुलूस, सबका जनाजा निकाल के रख दिया तुम लोगों ने। कब मामला हुआ है? नहीं नहीं सुहेल, मैं तुम्हारे दुख को समझता हूं। चुप, बच्चा नहीं हूं मैं। मैंने तुम्हारी बेटी से ज्यादा झूठी, मक्कार और धोखेबाज लड़की अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी। हेलो जी, बात कर रहा हूं। ठीक है, मैं आ जाता हूं। मैं इस वक्त तो अपने कुछ दोस्तों के साथ सी साइड पे हूँ। जी आ जाता मैं, लेकिन मुझे यूँ थाने बुलाने का मतलब? जी बेहतर है, ठीक है, मैं आ जाता हूँ। ओके, खुदा हाफिज़। हाँ, SHO साहब को मेरा सलाम ज़रूर कहिएगा। पुलिस का फोन था, अगर ये फोन तेरे चक्कर में आया ना तो मैं तुझे मार दूंगा। सुना तूने? अब ऐसे क्या हो रहा है? कौन सी गोली? कहाँ हो रहा दर्द, बोल। हेलो जी, जी जी अजहर बात कर रहा हूँ। जी हाँ, खावर साहब का बेटा अजहर बात कर रहा हूँ।
हाँ हाँ जी, बात करवाएं जी। ड्राइवर का नाम मुजम्मिल है क्या? डेड बॉडी कहाँ से मिली? जी हाँ, उसके रिश्तेदार यहीं पर हैं कराची पर। मैं इन्फॉर्म कर दूंगा उनको। जी जी हाँ, लेकिन आप प्लीज़ बाबा का तो पता करवाएं, किन लोगों ने उनको किडनैप किया है, क्या चाहते हैं वो, क्या। जी हाँ जी, इसी नंबर पर। जी हाँ, मुजम्मिल मर गया। बेटा प्लीज बैठे, बैठे आराम से, आराम से। बेटा अपने बाबा का पता कराओ प्लीज। नहीं, पुलिस पता कर रही है। हमारे बाबा ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, और मुजम्मिल की तो अभी 1 साल हुआ था शादी हुई थी। हमें आप प्लीज हौसला कीजिए, दुआ करें प्लीज। आप बैठे, मैं भी आता हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? अम्मी मुजम्मिल की लाश को पहचानना है। नहीं कोई जरूरत नहीं है, इतनी रात को तुम्हें कोई जरूरत नहीं। 10 मिनट का रास्ता है बस। मैंने कह दिया तुम कहीं नहीं जाओगे। मेरा दिल घबरा रहा है बेटा, तुम इधर ही रहो, वो सुबह आएंगे उसके घर वाले उसके लिए। अच्छा ठीक है, ठीक है, सही ठीक है, मैं यहीं पर हूँ, आपके पास हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा। जी SHO गुलजार साहब से बात कर रहे हैं जरा। जी अज़र बात कर रहा हूँ। जी ऑफ कोर्स, मुझे कल की ऑडिशन याद है। तुम्हें मालूम है ना ये बात कि बाबा को टीवी पर आना बिल्कुल भी नहीं पसंद, और तुम उनकी गैर मौजूदगी में ऑडिशन देने जा रही हो। कुछ कह रहे थे आप? ओ आंख ठीक हो गई है हा? कभी किसी लड़की को घुमाया फिराया नहीं है तुमने? कोई भी लड़की किसी भी लड़के से पूरी रात इस तरह बातें नहीं किया करती। अगर आपकी बहन ये बयान दे दे कि उसके मंगेतर ने उसे धमकी दी थी और उसके कुछ दिन बाद उसके वालिद अगवा हो गए, तो हम तफ्तीश के लिए उठा सकते हैं। Thank you.